ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार की दिन दहाड़े हुई हत्या के चार अभियुक्तों को गोला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 24 जुलाई को लगभग दिन में 12 बजे गोला उर्वा रोड पर गोपालपुर के पास देवकली बाजार में दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अज्ञात हमलावरों द्वारा धारदार हथियार से ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश कुमार, पुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तम निवासी उनौली तथा उनके चाचा देवी दयाल स्वर्गीय रामकवल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसमें अनीश कुमार की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डीडीहा के पास चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मणिकांत मिश्रा, पुत्र रामकवल मिश्रा, निवासी देवकली धर्मसेन थाना गगहा, हाल पता हरपुर थाना गोला, विवेक तिवारी पुत्र सर्वजीत तिवारी, अभिषेक तिवारी पुत्र सर्वजीत तिवारी व सनी सिंह पुत्र अनिल सिंह के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गोला थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह, उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, उप निरीक्षक दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल नूरुद्दीन खां, बच्चेलाल यादव, कांस्टेबल हिरन यादव, आशुतोष यादव, अनिकेत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 24 जुलाई को थाना गोला क्षेत्र के गोपालपुर बाजार में अनीश नामक युवक जो कि पंचायत सेक्रेटरी था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में वादी पक्ष की तहरीर पर थाना गोला में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल रवाना किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी और घटना को अंजाम देने वाले जो अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं, जो जनपद में और जनपद के बाहर भी लगातार प्रयासरत हैं, और हमें विश्वास है कि अतिशीघ्र पुलिस टीम को कामयाबी मिलेगी और सभी अभियुक्त शिक्षकों के पीछे होंगे।